हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम निकल चुके हैं एक ऐसी जगह के लिए जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। आपने उसके फ़ोटो देख रखे होंगे क्योंकि वो अभी काफ़ी वायरल है प्री वेडिंग्स के लिए। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं उसी जगह पे, जिसे आप देखोगे तो उदयपुर से प्यार आपको ज़रूर हो जाएगा। कोई सिंगल बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे उदयपुर से प्यार नहीं हो सकता, उसको देखने के बाद तो आपको ज़रूर प्यार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव के जयकार के साथ। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शानदार है, मुझे गोपुर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये बंदर अपनी फैमिली के साथ। और आगे जो रास्ता दिख रहा है वो जल होकर जाएगा बड़ी तालाब की पाल से। आगे जो ऊपर की तरफ चढ़ाई दिख रही है, जो पहाड़ दिख रहे हैं उसके जस्ट पास में जो पाल दिख रही है वो है बड़ी तालाब की पाल। वो सिर्फ नाम से भी बड़ी नहीं है, साइज से भी बड़ी है। बड़ी काफ़ी बड़ी ताल का बड़ी काफ़ी बड़ी है। तो ये आ गई है काफ़ी चढ़ाई, थोड़ा सा एकदम से स्टिफ आ जाता है यहाँ से। स्कूटी वैसे चढ़ तो रही है, काफ़ी पावर होता है एक्टिवा में। चलिए, ये आ चुकी है बड़ी की पाल। अभी हम बड़ी पे रुकेंगे नहीं क्योंकि आज हमारा डेस्टिनेशन बड़ी नहीं है। हमें जाना है बाहुबली हिल्स पे, जिसका शायद आपने नाम सुना होगा। ये देखिए, यहाँ से है बड़ी पाल और इधर से ये रास्ता जाता है बाहुबली हिल्स के लिए। तो हम जाएंगे आज बाहुबली हिल्स पे। मैं आपको दिखाऊंगा उदयपुर का एक ऐसा नज़ारा जो आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। ये देखिए, ये बड़ी तालाब है। उदयपुर में सिर्फ एक ही झील नहीं है, फतेह सागर ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। काफ़ी सुंदर व्यू है, ये मज़ा सा आ जाता है यहाँ ड्राइव करके। तो आप भी कभी आइए उदयपुर में, न जाने आपको क्या दिख जाए। यहाँ पे बीच बीच में काफ़ी स्टोर्स बने हुए हैं इस रास्ते पे। ये पूरा बड़ी की तालाब के किनारे किनारे घूमने का रास्ता है और इस किनारे पे काफ़ी स्टॉल बने हुए हैं। यहाँ पे रुकी है, बड़ी की पाल पर बैठी है और चाय का आनंद लीजिए। आप खुद इमेजिन कीजिए कितना शानदार रास्ता है। एक तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ है और एक तरफ सिर्फ पानी ही पानी। राजस्थान सिर्फ दौरों की धरती नहीं है। मैंने ये देखा है काफ़ी कि जो राजस्थान के बाहर के लोग होते हैं उनके दिमाग में राजस्थान सुन के सिर्फ एक ही बात आती है, रेत के दौरे, रेत के टीले। तो राजस्थान सिर्फ रेत के टीले ही नहीं है, राजस्थान बहुत शानदार जगह है। एक बार आइए ज़रूर, अपने आप में ये पूरा देश के जैसा है। कहीं आपको रेत के टीले मिलेंगे तो कहीं आपको ऊँचे ऊँचे पहाड़ मिलेंगे, कहीं आपको नदियाँ मिलेगी तो कहीं आपको थार का रेगिस्तान मिलेगा। तो अब हम पहुँचने वाले हैं बाहुबली हिल्स पर। ये अंदर से थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, देखिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है ये, हॉटस्पॉट बन चुका है प्री वेडिंग के लिए, तो जन्नत जैसा हो गया ये। ये देखिए काफ़ी लोग, इधर से होके रास्ता जाएगा इसका, वो सामने पार्किंग दिख रही है, वहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, अपने हेलमेट और सब वहाँ रखेंगे और फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। चलिए यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं, तो मिलते हैं आपसे ट्रैकिंग पे। तो ये देखिए एकदम से सीधा इंक्लाइन है यहाँ से, ये हम चढ़ रहे हैं बाहुबली हिल्स में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, ये स्टीप चढ़ाई अराउंड 500 मीटर होगी। और यहाँ का मौसम देखिए, इतना शानदार मौसम है। और व्यू देखिए आप, हमने हेलमेट नीचे रख दिया है क्योंकि इतना भारी हेलमेट लेके ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी तो ट्रैकिंग, ये दूसरी ट्रैकिंग ही है हमारे लाइफ की। हम चढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये व्यू देखिए आप, इस व्यू के लिए बस इतनी तो बनता है यार। कितना फोटो खींचेंगे, कितना शानदार व्यू है। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितनी सांसें फूल रही है और कितना स्टिफ चढ़ाई है ये। मैं तो कहूँगा कि एक बार आके यहाँ पे ये एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। सारी उदयपुर सिर्फ फतेह सागर ही नहीं है,
आप यहाँ आइए बाहुबली हिल्स, यहाँ से जो बड़ी लेक का जो आपको नज़ारा दिखेगा ना, देखिए वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ से आए हैं, ये वो नीचे रोड है जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है। ये देखिए मुझे तो गर्मी लगने लग गई, काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही थी। चुके हैं ऊपर, यहाँ से हम यहाँ पे हमसे लिया गया है 10 रुपये पर पर्सन चार्ज। ये काफ़ी सही सीन है अगर आपको कमाई करनी है ना, जबकि ऐसा ऊपर है कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ व्यू दिखेगा, इस व्यू के लिए आपको चार्ज किया जाता है। मौसम काफ़ी ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है, बट गर्मी तो लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही कुछ गर्मी लगती है। ये जो आपको नज़ारा दिखता है ना, इस नज़ारे के लिए आपको इतना तो बनता है। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं वापस ऊपर, यहाँ पे स्टॉल बनी हुई है, यहाँ पे हम पीते हैं चाय वगैरह कुछ हो तो पूछ लेते हैं। और यह है चाय, भैया की चाय है, शॉप है नहीं, अब तो क्या खाना। तो फ्रेंड्स हमने पी लिए चाय और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं नीचे, और ये हमारे भैया की शॉप है, देख सकते हैं। और ये चाय वाला भैया बहुत रीजनेबल रेट में चाय दी जाती है, और मैगी वगैरह बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ भी आप खाना वगैरह चाहो तो यहाँ पे खा सकते हैं। ठीक है भैया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पी ली है यहाँ पे चाय, और अब हम अभी यहाँ से जा रहे हैं डाउन ट्रैक के लिए, नीचे उतर रहे हैं, शुरू हो चुकी है, और अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे उदयपुर की जाम, उदयपुर का दिल FS। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो पे। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमेशा सपोर्ट करते रहें हमारे फ्रेंड को। ये मैंने नोट किया है कि बहुत से लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं होता इससे, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमें प्यार कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो भावना में मत भेजिए और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है ऋतिक, इसका चैनल है ब्लॉगर ऋतिक, तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम वापस निकल चुके हैं बाहुबली हिल से, वहाँ जाके आए थे हम, और अब हम जा रहे हैं उदयपुर की शान, उदयपुर की जान, फतेह सागर पे। अब शायद आवाज़ अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैंने वाइज़र बंद कर दिया है। तो अब हम निकल चुके हैं, वैसे काफ़ी अंधेरा हो चुका है, हमें वहाँ काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि व्यू ऐसा था, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए वीडियो बनाने से, फ़ोटो खींचने से, तो टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो देखते हैं अगर फतेह सागर पे जाते जाते अंधेरा हो गया तो फिर हम ये करेंगे कि ऐसे देखते हुए निकल जाएंगे, और वापस एक बार आने का फिर से है तो उस टाइम आपको सारा व्यू बताएंगे, फोटोज लेंगे, वीडियोस बनाएंगे। देखिए बड़ी तालाब में नहा रहे हैं, वैसे यहाँ पे नहाना अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बट फिर भी लोग नहा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। ये भी एक अच्छा खासा हॉट डेस्टिनेशन बन के उभरा है अभी काफ़ी कुछ ही सालों में, एक दो सालों में कह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्री वेडिंग होती है ना, प्री वेडिंग वालों ने इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है ना अपनी फोटोज़ में, वीडियोस में, तो लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया,
तो यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उन्होंने भी पैसे लेने शुरू कर दिए, प्री वेडिंग वालों से काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं और जो नॉर्मल टूरिस्ट आते हैं उनसे 10-10 रुपये चार्ज करते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा कमाई का जरिया बन चुका है। यहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। ये है बड़ी की पास, जहाँ पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि अंधेरा हो रहा है और रास्ता काफ़ी लंबा है, तो हम नहीं चाहते कि अंधेरे में हमें ड्राइव करना पड़े। यहाँ से बड़ी की पाल है, यहाँ से आप जाके पूरा व्यू देख सकते हैं। विद्यालय क्षेत्र है, कृपया धीरे चले। तो हम धीरे हो गए। ये हम पहुंच चुके हैं फेस के आउटस्कर्ट में। ये है फतेह सागर, हमारी जान, हमारी शान। ये है फतेह सागर का आउटस्कर्ट। अभी हम फतेह सागर की जो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रानी रोड, जो बीच से वो गाड़ियाँ दिख रही है आपको, जो बीच से गाड़ियाँ आ रही है ना वहाँ जाएंगे हम, वो रानी रोड कहलाता है। यहाँ से हम राइट लेके चले जाएंगे रानी रोड। ये रानी रोड हम फतेह सागर के पूरे पीछे से घूम के आएंगे। यहाँ पे काफी सारे आपको कपल भी मिल जाएंगे, लव बर्ड्स, आप भी आ सकते हैं। मैं एडवाइस तो नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी मर्जी है, कौन रोक सकता है। ये बनवाई थी महाराजा फतेह सिंह जी ने उदयपुर वासियों के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। वहाँ जो सामने आपको दिख रहा है वो सज्जनगढ़ है, वहाँ भी जाना है, वो भी आपको दिखाएंगे। वो सज्जन सिंह जी ने बनाया था, वहाँ से उदयपुर का पैनारोमिक व्यू बोल सकते हैं, 360 व्यू बोल सकते हैं, वो मिलता है। यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि कूद कूद के अंदर की तरफ जा रहे हैं और पानी के पास बैठे हुए हैं। हमारा भी मन तो बहुत हो रहा है जाने का, क्या करें बताओ, जाना चाहिए क्या। आपको पूरा फतेह सागर के दर्शन कराने, पूरे तो नहीं हो पाएंगे, बस थोड़ा सा वो स्ट्रेच रह जाएगा जहाँ पे गाड़ियों का जाना अलाउ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं काफी, ये भीड़ जो दिख रही है आपको यहाँ पे, यहाँ का बहुत ही बड़ा गार्डन है, राजीव गांधी गार्डन जिसको बोला जाता है, यहाँ पे भी जा सकते हैं हम। हमारे पास टाइम बचा नहीं था, वरना मैं चाह रहा था कि आपको राजीव गांधी गार्डन के भी दर्शन कराऊं अंदर से। ये रोटरी क्लब, यहाँ पे मस्ताना बाबा की दरगाह है, वहाँ जा सकते हैं आप अगर कोई जाना चाहे तो। अब हमें लेना है लेफ्ट, लेफ्ट से हम जाएंगे फिर से फतेह सागर की पाल पे, इधर से भी हम जा सकते हैं, ये आरएनटी के पास निकलेगा रास्ता। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको पूरी फतेह सागर की पाल दिखा दूँ।
ये इसकी मेन पाल है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ हो चुकी है। जैसे जैसे शाम होती जाती है बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। या तो ठीक है आज वर्किंग डे है, अगर संडे होता ना तो यहाँ पे आप गाड़ी घुसा भी नहीं सकते, इतनी भीड़ हो जाती है। देखिए ये यहाँ का फूड कोर्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे काफी कुछ खाने की चीजें मिल जाएंगी और यहीं पे ऊपर मोती नगरी के लिए रास्ता है, ये यहाँ से मोती नगरी जा सकते हैं। मोती नगरी भी जाएंगे, मोती नगरी जाने के लिए भी यहाँ से रास्ता ही है। मोती नगरी पे महाराणा प्रताप की स्टैचू बनी हुई है, महाराणा प्रताप से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। यहाँ से जो वो नेहरू गार्डन दिख रहा है वहाँ के लिए आपको बोट मिलेगी, वहाँ पे जाने का और कोई तरीका नहीं है। जो बीच में नेहरू गार्डन है वो बोट पे बैठ के आप जा सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं आप, कैमल राइडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बोट्स में जा सकते हैं आप। पूरी आपको पाल पे सिर्फ फूड कोर्ट मिलेंगे, काफ़ी टेस्टी खाना मिलता है। खाना तो क्या फास्ट फूड है सारे, काफ़ी टेस्टी मिलता है, ऐसा नहीं है कि बकवास सा कुछ। तो ये है फतेह सागर, वहाँ पे वो सामने फिश एक्वेरियम का बोर्ड दिख रहा है, काफ़ी सही है, काफ़ी टाइम पास हो जाता है यहाँ पे। अगर शाम को आके बैठ जाओ ना आप तो आप रात कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि इतने लोग आते हैं। ये फव्वारे लगा रखे हैं, फाउंटेन, ये जो है ये ओवरफ्लो के लिए, जब भी ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से गेट खोले जाते हैं और आयड नदी में पानी आना शुरू हो जाता है। तो हम अभी रुक नहीं रहे हैं क्योंकि रात हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छा व्यू दूँ, दिन में आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मज़ा आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमेशा सपोर्ट करते रहें अपने फ्रेंड को। बी एड बाबा ब्लॉग्स।